हीच चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल यार। फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम न्यू इवेंट से रिलेटेड बातचीत करने वाले जो आज सुबह आया है, उसके अंदर हमें थोड़ी सी यूसी पे, मतलब एक हिसाब से अगर आप परचेस करते हो 600 यूसी पे आपको एक अपग्रेडेबल भी देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ फ्री की पॉपुलरिटी भी देखने को मिलती है और दो फ्री के फ्री सीट देखने को मिलते हैं। एक सीट होता है और एक होता है उसका हेडगियर। मगर उससे पहले हम और भी इधर फ्री से रिलेटेड बातचीत करने वाले एक भाई जो इधर आज सुबह होला बढ़िया है, इसका एक पिक्चर मेरे हाथ लगा था ना उधर, इसका नाम साला बढ़ी था। माँ किया कि इनकी लाइन फ्रेंड वाला कंपेनियन अगर कोई बंदा निकालना चाहते, इसके कॉइन जो है ना आजकल परमानेंट है, अगर किसी बंदे के पास पड़े हैं तो एकदम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जो है ना ये चीज़ हो गया। मगर इसका एक इवेंट भी चल रहा है, अगर हम इवेंट से रिलेटेड बातचीत करें ना, उसके अंदर भी हमें होलावड़ी के थोड़े बहुत क्वाइन जो फ्री में मिल रहे हैं वो भी उधर चेकआउट कर लेते हैं कि उसका क्या सीन है, और इधर अपना लक भी चेकआउट कर लेते हैं। इधर जो है ना डेली आजकल मुझे क्वाइन ही देखने को मिल रहे हैं, तो अब ये वाली जितने भी कार है ना अपग्रेडेबल तो सारे के सारे मैं निकालूंगा लास्ट दिन पे, जो इस इवेंट का बिल्कुल लास्ट दिन होगा। उसके लिए कुल मिलाकर अभी इस टाइम पे 12 महीने और भी रहते हैं यार, 11 सॉरी 12 नहीं। तो इधर क्या अगर बात की जाए, ये दो जो है ना आज न्यू जो कन्वीनियंस आए हैं इधर से चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम लोगों को इनमें से कोई अच्छा लग रहा है या फिर किसी बंदे के पास इसके कॉइन पड़े हैं ना तो वो निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर 89 इस टाइम पे इसके कॉइन मेरे पास पड़े। तो अब इधर क्या अगर बात की जाए, ये हो सकता है ये फिर से रिफ्रेश हो जाए ये वाला इवेंट। तो इसके अंदर भी हमें तीन तीन जो इसके कॉइन है ना होलावड़ी के कॉइन वो हमें मिलते रहेंगे, तो एक हिसाब से हम होलावड़ी भी फ्री में निकाल सकते हैं अगर हम जमा करें तो। आजकल जो है ना इवेंट के थ्रू भी इसके कॉइन हमें देखने को मिलते हैं, वो अपग्रेडेबल स्पिन के भी हमें कॉइन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर अपग्रेडेबल कार्स वगैरह है, उसके भी हमें आजकल फ्री में देखने को मिल रहे, और 10 यूसी पे भी आप लोग खोल सकते हो उसके थ्रू भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसका तो टाइम ज़्यादा है मगर इस होलावड़ी का जो है ना टाइम कुछ ज़्यादा ही कम है। तो अब आते हैं आज सुबह वाले इस दूसरे इवेंट पे। तो अब ये तो होना चाहिए भाई डिस्कवरी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वही डिस्कवरी वाला सीन, तो इसके अंदर थोड़े बहुत चीज़ें हमें महंगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्री वाला जो है ना इधर कोई सीन नहीं है, सबसे पहले अपने अनलॉक करना होगा। ठीक है, और अगर आप सारे के सारे आइटम्स इधर से निकालते हो, नीचे जो है ना इधर एक अवतार तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक जो है ना अवतार फ्रेम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 10 के 10 आइटम आपने लाजमी निकाले, फिर उसके बाद इधर जो है ना एक कार्ड हमें देखने को मिलता है। मगर सवाल ये उठता है कि भाई ये सारे के सारे आइटम्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एक जो है ना एक मोटरसाइकिल और दो ये वाले सीट, ये बिल्कुल हमें सस्ते में इधर से देखने को मिल जाएंगे, और इसके बाद जो आइटम्स है ना वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लगेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। और कार्ड की अगर बात की जाए, कार्ड जो है ना एक इन्फो कार्ड हमारे होते हैं और एक जो है ना इधर सोशल प्लेयर कार्ड होते हैं। उधर जो पड़ा है इस इवेंट के अंदर वो भी यही सोशल प्लेयर कार्ड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का जो है ना होता है। तो अब अगर कोई बंदा निकालना चाहता है फिर उसके लिए सारे के सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ये चीज़ लाजमी से याद रखना। तो अब आते हैं हम फिर से इधर इवेंट के अंदर। इवेंट की अगर बात की जाए, इसके अंदर कुछ आइटम्स है जो हमें पेड देखने को मिलेंगे प्रीमियम। ठीक है, इसके इंजन वगैरह हो गए, आपने सबसे पहले लेवल 20 करना है, और लेवल 10 पे जो है ना इसका हेलमेट आप उठा सकते हो इधर से 600 यूसी पे, और लेवल 15 पे जो है ना 900 यूसी पे इसका फ्लेम फिनिश होगा, और लेवल 20 पे जो है ना इसके और भी एक्स्ट्रा रिवार्ड जो इधर पड़े वो फिर आप लोग इधर से उठा सकते हैं, और वो भी यूसी के थ्रू। ये चीज़ लाजमी से याद रखना, यूसी के थ्रू ही निकाल सकते हो, यूसी पे निकाल सकते हो। और सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम इधर जो 600 यूसी शो कर रहा है ना, अगर हम 600 यूसी लगाए तो उसके थ्रू हमें कितने आइटम्स देखने को मिल सकते हैं, सवाल यही उठता है ना। तो वो भी हम इधर चेकआउट करेंगे, और उसी के साथ साथ जो इसकी मिशन है ना उसके अंदर जो हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो हमें कितने देखने को मिल सकते हैं वो भी इधर चेकआउट कर लेते हैं। और अगर आप इसके लेवल 1 से लेकर लेवल 20 तक लेके आता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला अपग्रेडेबल जो होता है ना अपग्रेडेबल मोटरसाइकिल, और एक जो है ना ये वाला सीट जो इधर परमानेंट पड़ा है। कुल मिलाकर इस इवेंट के अंदर 5 आइटम्स परमानेंट है जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो काम किया, एक जो है ना ये वाला अपग्रेडेबल मोटरसाइकिल भी है जो हमें लेवल 20 पे देखने को मिलेगा। भाई उसका तो समझ आता है भाई, कार आ गया या फिर कोई और चीज़ आ गया ना, मतलब जो व्हीकल होते जिससे हम बंदा फिनिश कर सकते, वो मोटरसाइकिल का सीन तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया यार। सबसे पहले बंदे को 1 HP करना होगा, फिर उसके बाद उसको ये वाला किल मैसेज दिखाना होगा कि चलो भाई मेरे पास भी ये वाला मोटरसाइकिल पड़ा है। माँ क्या पबजी वालों की कोई दिमाग ही नहीं इनमें आजकल। ये जो है ना ये इसके मिशन वगैरह है जो हमने कम्प्लीट करने हैं। ठीक है, वो सिंपल सी मिशन है, अगर हमें सारे के सारे मिशन कंप्लीट करें ना फिर हम जा सकते हैं लेवल 20 तक। ठीक है, एक दिन में करना चाहते हो या फिर आहिस्ता आहिस्ता करना चाहते हो, इस इवेंट का जो ना टाइम कुछ ज़्यादा ही है। कुल मिलाकर 3 महीने के 3 तारीख तक ये वाला इवेंट चलने वाला है, तो टाइम जो है ना कुछ ज़्यादा ही है।
ठीक है, अगले अपडेट के कुछ ज्यादा क्लोज पीरियड वाला इवेंट खत्म हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं इसको इधर से करता हूँ अनलॉक। तो अब मैं अगर इधर कलेक्ट पे क्लिक करूँ, ऑल कलेक्ट पे, फिर इधर से मुझे क्या देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला सिर देखने को मिल गया और एक जो है ना इसका हेडगियर इस टाइम पे मुझे देखने को मिल चुका है। जो इधर जो है ना लेवल वन पे हमें दो आइटम्स देखने को मिल गए, फिर उसके बाद हमने इसको आगे लेके जाना है उसी मिशन के थ्रू, ठीक है, फिर जो है ना हम लास्ट तक जा सकते हैं। और लेवल 20 पे जो है ना हमें ये वाला अपग्रेडेबल फिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो ये वाला मोटरसाइकिल का स्किन है ये जो है ना फिर हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब एक हिसाब से ये वाला इवेंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भाई 600 पे कुछ ज़्यादा ही आइटम्स हमें फ्री में देखने को मिल रहे हैं। तो अब 600 पे एक अपग्रेडेबल मोटरसाइकिल भी देखने को मिल जाएगा। तो इधर की अगर बात की जाए, कुल मिलाकर 6803 पॉइंट्स जो है ना इसके अंदर पड़े, जो हर एक बंदे का एकदम इजीली लेवल 20 हो सकता है, ठीक है, एकदम इजीली लेवल 20 हो सकता है। तो अब मैं भी इंशाल्लाह करूंगा, आप लोग भी ट्राई कर लेना, और ये सारे के सारे मिशन कंप्लीट करने लाजमी होंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मगर इधर जो है ना मैं तुम लोगों को एक और चीज़ भी बताता हूँ, इधर कुछ आइटम्स जो है ना हमें टाइम लिमिटेड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ आइटम्स जैसा कि प्लेन हो गया और इधर और भी एक्स्ट्रा आइटम्स है। और अगर कोई बंदा डायरेक्टली इसको भाई ख़त्म करना चाहता है ना, मतलब सारे के सारे चीज़ें हमारे पास एक साथ ही आ जाए, फिर कुल मिलाकर 3770 इसे आपने लगानी इसके ऊपर, फिर सारे के सारे आइटम्स आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। वही डिस्कवरी वाला सीन इसके अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया डिस्कवरी से। और इधर जो है ना अगर कोई बंदा ये वाला निकालना चाहता है ग्लेडर, तो इसके लिए टाइम लिमिटेड भी पड़े और परमानेंट भी इसके अंदर पड़े, तो इसके लिए कुल मिलाकर 20-20 यूसी से आपने कौन लाए। और इधर वही वाले आइटम्स भी हमें इधर भी देखने को मिलता है, ये वाला प्लेन फिनिश हो गया और वही वाला ग्लेडर हो गया, और भी इधर थोड़े बहुत और भी सस्ते आइटम्स पड़े, मगर ये जो है ना इधर टाइम लिमिटेड पड़े। अगर कोई बंदा परमानेंट निकालना चाहता है तो फिर उसको उधर उसका क्रेट ओपनिंग करना होगा अलग से, ठीक है, ये चीज़ लाजमी से याद रखना। तो इसकी कहानी जो है ना इधर से पूरी की पूरी हो जाती है क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है ना तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। और उसी के साथ साथ अमेजिंग रिबेट भी मेरा हो चुका है 12,000 तक। आई हाय भाई साहब, फाइनली मुझे दो मटेरियल मिल गए यार, माँ किया किन की, फाइनली हमारा ओल्ड वाला अमेजिंग रिबेट भी आ गया और मुझे दो मटेरियल भी मिल गए। चलो ये जो है ना इधर से सही हो गया। और सिट की अगर बात की जाए, ये जो है ना ये इसका लेवल वन का सिट होने वाला है। अगर कोई बंदा यूसी लगाता है ना 600, उसको ये वाला तो डायरेक्टली मिलेगा और फिर उसके बाद मिशन कंप्लीट करके आगे आप लोग जा सकते हो। इसकी कहानी पूरी की पूरी इधर से हो गई क्लियर। फिर से बताता हूँ, अगर कोई डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो ये रही भाई साहब हमारी आज की वीडियो। ये वाला इवेंट मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। अगर ये वाली वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो ना तो एक थम्स अप जरूर दे देना, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।